हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में निव्या क्रीम के बेनिफिट्स बताऊंगी और ये बताऊंगी कि आप निव्या क्रीम को इस्तेमाल करके कैसे गोरी और निखरी त्वचा पा सकते हैं सिर्फ कुछ ही मिनटों में। निव्या क्रीम के अंदर ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी स्किन पर से दाग धब्बे, निशान या किसी भी प्रकार के पिंपल्स या उनके स्कार्स को जड़ से खत्म कर सकती है। और ये क्रीम आपकी स्किन को गोरा, निखरा हुआ और ब्यूटीफुल बनाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो ये होम रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें निव्या क्रीम चाहिए और यहाँ पर मैं आधा चम्मच निव्या क्रीम एक कटोरी में डाल रही हूँ। उसके बाद हमें चाहिए वाइटमिनी ऑयल और यहाँ पर आप वाइटमिनी कैप्सूल्स भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कम से कम एक चम्मच वाइटमिनी का तेल इसमें डाल रही हूँ और अगर आप कैप्सूल्स यूज कर रहे हैं तो आप 4 से 5 वाइटमिनी कैप्सूल्स इसमें डालिए और इन दोनों इन्ग्रीडियंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि ये दोनों एक स्मूथ पेस्ट बना सकें। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इन दोनों का पेस्ट कुछ इस तरह दिखेगा। तो चलिए अब हम इस पेस्ट के अंदर तीसरा इंग्रेडिएंट डालते हैं जो कि है चावल का आटा। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच चावल का आटा इस पेस्ट के अंदर डाल रही हूँ। और चावल का आटा डालने के बाद अब मैं फिर से इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के अंदर अच्छे से कंबाइन हो जाएं। और इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें आखिरी इंग्रेडिएंट डालना है जो कि है कच्चा दूध। और यहाँ पर मैं 1 से 2 चम्मच कच्चा दूध इसमें डाल रही हूँ और फिर से आखिरी बार सबको अच्छे से मिला रही हूँ ताकि सभी एक स्मूथ और लम फ्री पेस्ट बनाए। और इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद आपका होममेड फेस पैक तैयार है जो कि निव्या क्रीम से बना है। ये फेस पैक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपकी स्किन को गोरा और निखरी हुई बनाने के लिए। ये फेस पैक आपकी स्किन पर से कोई भी दाग धब्बे, पिंपल्स या उनके निशान या सनटैन की प्रॉब्लम को भी जड़ से खत्म करेगा और सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फेयर और ग्लोइंग बनाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस फेस पैक को कैसे यूज किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस होम रेमेडी को यूज करना भी बहुत इजी है। सबसे पहले आप इस पेस्ट को अपनी स्किन पर लगाइए और जेंटली स्क्रब करिए 30 से 40 सेकंड के लिए। आप इस पेस्ट से सर्कुलर मोशन में अपनी स्किन पर स्क्रब कीजिए और अच्छे से स्क्रब करने के बाद इसकी एक थिक लेयर अपनी स्किन पर लगाइए। और इसको अच्छे से अपनी स्किन पर लगाने के बाद इसको ऐसे ही 15 से 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसको नॉर्मल पानी से धोकर अपनी स्किन को पैडर और मॉइस्चराइज कर लीजिए। और अगर आप इस होम रेमेडी से बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए।